निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। आजमगढ़ में ठेला खोमचा और फुटपाथ के दुकानदारों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने आवाज बुलंद की। कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर उन्होंने दुकानदारों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र जिला अधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा और मांग किया कि ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को पुनः तत्काल स्थापित किया जाए। गोमती ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को विस्थापित करने से पूर्व किसी अन्य स्थान को चिन्हित कर वहाँ उन्हें स्थापित किया जाए। गोमती ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा रोजगार करने वाले दुकानदारों को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाए, जिससे वो अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सके। या कुछ मड़ई वगैरह डाल करके, छोटा सा डाल करके, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, जिनको कहीं कहीं से उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी चलती है, उस सारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है सुंदरीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। मेरा मानना है कि ठीक है, अतिक्रमण सही हो सकता है, लेकिन सबसे पहले शहर का सुंदर लगना बाद में आवश्यक है, पहले शहर के लोगों का पेट भरना आवश्यक है। और पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए अगर कोई व्यक्ति गुमटी की दुकान खोले हैं, कोई व्यक्ति छप्पर डाल करके चाय बेचता है, पकौड़ा बेचता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका अतिक्रमण करना, उसको हटाना तब तक नहीं जायज है जब तक कि उसके रहने की, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करा दी जाती। हमें नहीं कहते कि आप अतिक्रमण मत करिए, लेकिन जो 15 साल से 20 साल से 25 साल से 30 साल से फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी मड़ई डाल करके, अपनी गिमटी रख करके, ठेला लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ इस तरह की बर्बरता कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि गरीबों पर अत्याचार है, गरीबों के अधिकार के विरुद्ध है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को। क्या मांग है, मुख्य मांग आपकी क्या? हमारी मांग है कि उनको तब तक न हटाया जाए, क्योंकि कोरोना काल, कोरोना मालेटी से परेशान है, रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, उनको तब तक न हटाया जाए जब तक उनको कोई व्यवस्था न दे दी जाए। और ऐसा नहीं कि वो अगर गिमटी खोले हुए हैं या फुटपाथ पर चाय की दुकान किए हुए तो उन्हीं का लाभ है, उसे अगल बगल की जो दुकानें हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, जो भी जिस कारोबार से जुड़े हुए, उस मोहल्ले वालों का भी कहीं कहीं से लाभ है। अब सुंदरता के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे उनकी रोजी रोटी को समाप्त कर देना पूरी तरीके से निंदनीय है और मानवीयता के खिलाफ है।